तो दोस्तों ग्राम सर्वेयर के लिए ट्रेनिंग की अवधि तय कर दी गई है। दोस्तों आपकी ट्रेनिंग होने वाली है, तो कब ट्रेनिंग होगी, स्थान कहाँ पर आपको ट्रेनिंग लेने के लिए जाना होगा, ट्रेनिंग कौन लेगा दोस्तों, किस विषय पर ट्रेनिंग दी जाएगी, सभी जानकारी देंगे। बस आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने सर्वेयर के सभी ग्रुप में इसे जरूर शेयर कर दीजिएगा, तभी ताकि सभी को यह जानकारी लग सके कि सर्वेयर की जो ट्रेनिंग होगी वो कब होने वाली है और कहां पर होने वाली है और कितने दिनों की होने वाली है, सभी जानकारी देंगे। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो सर्वेयर से संबंधित सभी अपडेट यहां पर आपको मिलती रहेगी। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों तो चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश, कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश दिनांक 27/11/2024 को यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। प्रति समस्त कलेक्टर जिला समस्त, ठीक है, कलेक्टर जिला समस्त महा राजस्व अभियान 3.0 के तहत पीएम किसान सेचुरेशन एवं फार्मर आईडी बनाए जाने की कार्यवाही पूर्ण करने के संबंध में। दोस्तों ये तो रहा कलेक्टर को आदेश, अब हम बात कर लेते हैं हमारे सर्वर का, इसमें जो जिक्र किया गया है उसके संबंध में। तो यहाँ पर हम जैसे ही नीचे आएंगे, यहाँ पर हम थोड़ा थर्ड पेज नंबर पर आएंगे तो वी फार्मर रजिस्ट्रेशन के आपको लक्ष्य दिया जाना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वी फार्मर रजिस्ट्रेशन में हमारे जो सर्वेयर युवा भाई है उसकी जानकारी बताई गई है। क्रॉप डिजिटल क्रॉप सर्वे हेतु चिन्हांकित स्थानीय युवा के लिए प्रतिदिन 20 फार्मर आईडी बनाए जाने का लक्ष्य नियत किया जाए, ताकि नियत दिनांक 15/12/2024 तक फार्मर आईडी बनाए जाने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। मतलब अब आप सभी को जो है वो लक्ष्य दिया जाएगा कि आपको एक दिन में 20 फार्मर आईडी बनाना है। अब दूसरी बात है कि स्थानीय युवा को संबंधित पटवारी के माध्यम से एक दिवसीय प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाए, ताकि सभी पंजीकृत युवा एक साथ कार्रवाई प्रारंभ कर सके। यानी कि अब आप सभी के 1 से 2 दिन में, यानी कि अगले हफ्ते में आपकी जो है वो ट्रेनिंग हो सकती है, या फिर कल आपकी जो है वो ट्रेनिंग हो सकती है, जो केवल एक दिवसीय ट्रेनिंग रहेगी और पूरे तहसील के जितने भी युवा सर्वेयर है वो सभी को तहसील कार्यालय में पटवारी के माध्यम से आपको जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी। फार्मर आईडी के माध्यम से आसान केसीसी ऋण आदि की भी कैंप में प्रदान की जाएगी। यानी कि फार्मर आईडी के क्या क्या लाभ होने वाले हैं, उससे किसान को क्या फायदा हो सकता है, उसकी जानकारी भी आपको ट्रेनिंग के माध्यम से दी जाएगी। तो अब आप यहाँ पर जो है वो 20 फार्मर आईडी प्रतिदिन बनाए जाने का आपको लक्ष्य दिया जाएगा, उसके साथ साथ आपको एक दिवस की प्रशिक्षण दिया जाएगा, केवल एक दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा और हर तहसील में, तहसील स्तर पर जितने भी सर्वेयर युवा सर्वेयर काम कर रहे हैं उन सभी को संबंधित पटवारी, यानी सभी पटवारी द्वारा आपको जो है वो एक दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा कि फार्मर आईडी के माध्यम से आप क्या क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं, किसानों को आपको क्या बताना है कि वो फार्मर आईडी अपने जल्द से जल्द बनवाए अगर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पीएम किसान निधि की संबंधित यह जानकारी दी गई है दोस्तों। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपका कभी भी जो है वो प्रशिक्षण हो सकता है। तो दोस्तों सर्वेयर से संबंधित किसी प्रकार के अपडेट अगर आपको चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।